हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथी केयर। मैं डॉक्टर ज्योति आज आपको बताने जा रही हूँ कैंथेरिस होम्योपैथिक मेडिसिन। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट लिट्टा वेसिक्टोरिया। कॉमन नेम स्पैनिश फ्लाई आर ब्लिस्टर बिटल लिव्स ऑन हनी शक्ल। इट प्रोड्यूस अ टॉक्सिक सब्सटेंसेस कॉल्ड कैंथेरिडीन। ये स्ट्रॉन्ग पॉइजन होता है दैट प्राइमरली अफेक्ट द यूरिनरी ट्रैक्ट, कॉजेस बर्निंग पेन, वोमिटिंग, स्किन अफेक्शंस, ब्लैडर अफेक्शंस, सिस्टाइटिस, गोनोरिया, किडनी ट्रबल्स लाइक दैट सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। इसका प्रिपरेशन इंटायर बिटन या ड्राई या पाउडर फॉर्म में किया जाता है, पाउडर फॉर्म से किया जाता है। अवेलेबल पोटेंसीज 30, 200, 1 mg, 10 mg, 50 mg, 3x एंड मदर टिंचर पाया जाता है। इसकी मेन पैथोलॉजी ये स्पेशली अफेक्ट करता है यूरिनरी एंड सेक्सुअल ऑर्गन को और इनमें वॉलेंट इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करता है, जीआईटी के इन्फ्लामेशन को, लोअर बॉवल के इन्फ्लामेशन को ये प्रिवेंट करता है। जैसे किडनी, ओवरीज, मैनिंजेस, प्लूरा या पेरिकार्डियम में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन होती है। बिकॉज कैंथेरिस क्रूड फॉर्म में एक पावरफुल इरिटेंट होता है, आफ्टर ट्रैचुरेशन होम्योपैथी प्रूविंग के बाद आफ्टर ट्रैचुरेशन इट इज यूज्ड इन इरिटेंट डिसऑर्डर बेसिस ऑफ होम्योपैथिक ला सिमिलिया सिमिलवस क्यूरेंटर। मेंटली पेशेंट बहुत ही कंफ्यूज्ड होगा, हैव ऑड आइडियाज, वे ऑफ मैनिएकल, एक धुन सवार होगी किसी चीज को करने की बोलने की, डिमॉन्स्ट्रेटेड रेजिंग या फ्यूरी, बहुत ही वॉयलेंट टाइप का नेचर होगा, सेक्सुअली फ्रिंजी होगा या मेनी लूज अनकॉन्सियसनेस। बिकॉज जब कैंथेरी जो स्पैनिश फ्लाई होता है जब वो डंक मारती है तो वो एक्साइटेड वाला फेज होता है, इसी टाइप से जो सिम्टम यहाँ पे अपीयर होंगे वो एक्साइटमेंट वाला या तो लूज कॉन्शियसनेस में ही स्टार्ट होंगे, बहुत ही रेस्टलेस होगा या एक्साइटेबल होगा। और निम्फोमानिया, एक्सेसिव डिजायर फॉर सेक्स, सीवियर एंजाइटी, कॉन्स्टेंट एक्सप्लेनिंग टाइप का पेशेंट होगा, बहुत ज़्यादा ओवर वेयरिंग टाइप का क्वेलसम होगा। फिजिकली देखा जाए तो थर्स्टी होगा बट डिफिकल्ट सॉलोविंग, हाइड्रोफोबिया होगा, फियर ऑफ वाटर होगा बट थर्स्टी होगा। तो इवन हाइड्रोफोबिया के कंडीशन में पेशेंट वाटर को देखना और उसकी आवाज़ भी सुनना बेयर नहीं कर पाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, अवॉइड टू फूड बिकॉज उसमें पानी है, उसे पानी से डर लगता है तो वहाँ पे अवॉइड करेगा फूड लेने से। कैंथेरिस का प्रोमिनेंट सिम्टम होता है बर्निंग, हर पार्ट में, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल, रन थ्रू द होल रेमेडी। सबसे ज़्यादा इसमें बर्निंग, ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ ऑल पार्ट, कॉन्स्टेंट एंड इनटॉलरेबल अर्जिंग टू यूरिनेट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन। की पॉइंट है कि आफ्टर, बिफोर एंड ड्यूरिंग यूरिनेशन बहुत सीवियर इनटॉलरेबल बर्निंग होगा और अर्जिंग भी होगा, जबकि उसे टच भी बियर नहीं होगा, कटिंग एंड बर्निंग टाइप का पेन होगा ड्यूरिंग मैच्योरेशन। देयर इज हैम्ब्रेज होगा, जैसे कि नोज, माउथ, इंटेस्टाइन, जेनाइटल एंड यूरिनरी ऑर्गन से। जो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होंगी वो तब बढ़ेंगी जैसे वो ड्रिंक पानी पिएगा या कॉफी लेगा। डिस्गस्ट फॉर एवरीथिंग लाइक ड्रिंक, फूड एंड टोबैको, ड्रिंकिंग इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर उसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा पेन ब्लैडर का भी और स्वॉलोविंग में भी इसको डिफिकल्टी होगा, तो उसका पेन इंक्रीज होगा। बॉलिंग लेंसिनेटिंग टाइप का पेन होगा, किडनी से बैक में जाएगा और जो भी इसका सिक्रेशन होगा वो टेनेसियस एंड ड्रॉपी होगा।
यूरिनरी सिम्टम्स में और अदर सिम्टम भी इसका जितने भी डिस्चार्जेस होंगे वो टेनेसियस एंड ड्रॉपी होंगे. एग्रेवेशन फ्रॉम डिजलिंग ऑब्जेक्ट या बाय वाटर या टिपिकल पिक्चर्स ऑफ हाइड्रोफोबिया. इवन पिक्चर्स भी देख के उसे एग्रेवेशन स्टार्ट हो जाएगा. कैंथेरिस एक्सपेल मोल डेड फीटस प्लेसेंटा एंड प्रमोट करेगा. पीपीएच में भी इसका बहुत अच्छा रोल है. अगर अबॉर्शन हुआ है या फिर 2 मंथ 1 मंथ का अबॉर्शन अपन बाय पिल्स या आफ्टर डीएनसी के बाद अगर कुछ बिट्स या वो रह जाते हैं तो हमें कैंथेरिस लेना चाहिए. कैंथेरिस पूरे उस यूटरस में एक्सपेल करेगा. डिसेंट्री में बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है कैंथेरिस. बिफोर स्टूल ग्रेट अर्जिंग होगी स्टूल की. वॉयलेंट कॉलिकी पेन होगा एब्डोमेन में और जिस टाइम पे स्टूल पास होगा बहुत सीवियर बर्निंग और कटिंग टाइप का पेन होगा एनस में और उसके बाद टेनेसिस कंटिन्यूअस होगा और शडरिंग होगी. इवन पीसेस ऑफ मसल्स या म्यूकस या स्टूल के साथ में उसको खून के भी छोटे छोटे थक्के टाइप के निकलेंगे. वाइट म्यूकस लाइक स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन. ऐसा लगेगा इंटेस्टाइन को पूरा स्क्रैप करके साथ में म्यूकस पूरा बाहर आ गया है. उसके साथ में डिस्यूरिया भी रहेगा. यूरिनरी सिम्टम में कॉन्स्टेंट अर्जिंग होगी यूरिनेशन की और जो यूरिन पास होगी वो बहुत ही फ्यू ड्रॉप्स में या ड्रॉप बाय ड्रॉप. वॉयलेंट टेनिसमस होगा. इवन पेशेंट पेशाब के लिए बैठेगा और उठने में उसे लगेगा कि वो बेहोश हो जाएगा. इतना ज़्यादा उसमें टेनिसमस और सीवियर पेन होता है और बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिवनेस होगा. इवन ब्लड यूरिन के साथ साथ ब्लड भी आएगा पास होगा. ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है सिस्टाइटिस के लिए. हनीमून सिस्टाइटिस के लिए भी बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है. स्किन अफेक्शंस जो होंगे वो इंडिकेट कहा बर्न में स्काल्स या इरिसिपेलस में. इसका भी जो सेंसेशन होगा वो बर्निंग रॉ सेंसेशन होगा. एकदम इनफ्लेम ब्लब्स फॉर्मेशन होंगे. वेसिकल्स अपियर्स होंगे ऑल ओवर बॉडी में. सोर सुपरेटिंग पस भी आएगा उनमें. सीवियर बर्निंग और ईचिंग होगी. स्मार्टिंग टाइप का पेन होगा. टच करने से बहुत सीवियर या कोल्ड एप्लीकेशन या पानी के टच से एग्रेवेशन होगा उसको. इवन रिलीव्ड होगा कोल्ड एप्लीकेशन से. कैंथेरिस कैन बी यूज्ड एक्सटर्नली आल्सो इन बर्न केसेस में हम एक्सटर्नली कैंथेरिस को यूज कर सकते हैं. इवन कैंथेरिस के ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं. कैंथेरिस का मदर टिंचर भी एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं बर्न में. बिफोर ब्लिस्टर जब ब्लिस्टर नहीं होता तब हमें कैंथेरिस मदर टिंचर या कैंथेरिस ऑइंटमेंट यूज करना चाहिए. उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं बिकॉज कैंथेरिस रिलीफ करेगा पेन को रिलीव करेगा और प्रिवेंट करेगा वैसे कि ब्लिस्टर को का फॉर्मेशन को कम करेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.